प्रदेश की जनता ने 2022 का जो चुनाव है अपने हाथों में ले लिया, क्योंकि पिछले 5 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर मोर्चे पे विफल हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक ताल्लुक है, मुझे लगता है कि धर्म की चाशनी में ही वो चुनाव जीतना चाहते हैं। पूरा जन सैलाब उनके रैलियों में आपको दिखाई दे रहा है। वो इस बात का द्योतक है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में अखिलेश यादव जी की सरकार आ रही है। गाड़ी चलाने का काम किया था किसानों के ऊपर, उस गृह मंत्री पे भारतीय जनता पार्टी कब कार्रवाई करेगी? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राहुल कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल इंडिया न्यूज। यूपी की सियासत, यूपी की पथरीली जमीन पर सियासत एक नया करवट बदलने का काम कर रही है, क्योंकि हम लोग जिस प्रकार देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव जब जब नज़दीक आए हैं, तब तक सरकारें बड़े बड़े वादे तो करती है, बड़े बड़े मंचों से खुले समर्थन तो करती है, लेकिन क्या वो मांगे, क्या वो ज़रूरतें आम इंसान के, आम नागरिक की पूरी होती है नहीं? इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ यहाँ पे वक्तागण यहाँ पे मौजूद है। मैं बारी बारी उनसे समझूंगा जिस तरह के उत्तर प्रदेश के हालात बनाए दिए गए हैं। महिला सुरक्षा पर कोई नहीं बात करता, युवाओं की शिक्षा पर कोई बात नहीं करता, रोजगार पर बात नहीं करता। आप इसे किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक है, मुझे लगता है कि धर्म की चाशनी में ही वो चुनाव जीतना चाहते हैं जी। बार बार उनके मुद्दे हों, चाहे वो उनका अयोध्या का मुद्दा हो, चाहे वो मथुरा का मुद्दा ले लेते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की के जनमानस में इस बार ये बात है कि यहाँ की महंगाई का क्या हल होगा, महंगाई पे क्यों नहीं बात करते ये लोग, बेरोजगारी पे क्यों लोग नहीं बात करते, और गिरती अर्थव्यवस्था पे क्यों नहीं बात करते, जो युवाओं को रोजगार नहीं है उस पर बात नहीं करते। अभी मजदूरों की हालत आपने कोरोना काल में देखी, उस पर बात नहीं होती है। किसानों पे आपने देखा होगा पूरे एक साल आप सर्दी गर्मी बरसात में सब लोग बैठे रहे, किसानों के जो मुद्दे थे अभी भी पूरे कई सारे मुद्दे अनसुलझे हुए हैं। आपने देखा होगा 3 जो कानून थे तो मोदी जी लाए थे, मोदी जी ने वापस ले लिए, लेकिन उनके जो अन्य मुद्दे थे वो एजिटी से अभी बने हुए हैं। तो ये उस पर बात नहीं करते, ये चाहते हैं कि धर्म की आड़ में किसी तरह सत्ता आ जाए, जो कि इस बार उत्तर प्रदेश में होना नहीं चाह रहा। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश के चुनाव को अपने हाथों में ले लिया है, और केवल एक ही नेता माननीय अखिलेश यादव जी, जो 5 साल से लगातार सड़क से लेकर सदन तक उत्तर प्रदेश की आवाज़, उत्तर प्रदेश की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर विश्वास करते हुए जनमानस आप देख रहे होंगे, जैसे जैसे रैलियों में आप देख रहे होंगे, पूरा जन सैलाब उनके रैलियों में आपको दिखाई दे रहा है। वो इस बात का द्योतक है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में अखिलेश यादव जी सरकार आ रही है। जिस तरह से आप सड़क से संसद तक की लड़ाई देख रहे हैं, खुद मैं काफ़ी लंबे समय से अखिलेश यादव की रैलियों को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी पे कानपुर की हुड़दम को लेकर आरोप लगाया जा रहा है, उसे किस प्रकार देख रहे हैं आप? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ कहा है कि समाजवादी पार्टी में अनुशासनहीनता और अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। आपने देखा होगा तुरंत कार्रवाई हुई और 5 लोगों को तुरंत पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी निरस्त कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ प्रदेश जानना चाहता है कि गृह राज्य मंत्री के बेटे ने जो गाड़ी चलाने का काम किया था किसानों के ऊपर, उस गृह मंत्री पे भारतीय जनता पार्टी कब कार्रवाई करेगी? उत्तर प्रदेश की जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि उन पे कार्रवाई कब होगी। हमारे यहाँ तो तय है, अनुशासनहीनता होगी, अराजकता अगर होगी तो कोई बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे कोई भी हो, पार्टी का कार्यकर्ता हो या अन्य कोई हो, तो हमारे यहाँ काम तुरंत होता है, हम लोग अनुशासित लोग हैं। समाजवादी पार्टी के रैलियों में मैंने जाने का काम किया, वहाँ पर देखा कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर इस बात छिटक रहा है, उन्हें किस प्रकार साध रहे हैं आप? देखिए, मुस्लिम नहीं, मैं तो कहूँगा उत्तर प्रदेश का हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग और हर संप्रदाय का व्यक्ति अखिलेश यादव जी के विकास मॉडल को, जो 2012 से 17 तक के उनके जो चुनाव का उनका कार्यकाल रहा, वहाँ पर शासन का कार्यकाल रहा, उसको याद कर रहा है। चाहे लैपटॉप वितरण का आपने देखा होगा, लैपटॉप वितरण का जो काम हुआ उसके, ये बहुत ज़्यादा इस समय कोरोना काल में बहुत सारे युवक युवतियों ने उसको अपने रोजगार से जोड़ा, और आज उत्तर प्रदेश का जनमानस जो अखिलेश यादव जी का डेवलपमेंट का विज़न है, डेवलपमेंट का विकास का जो उनका विज़न है, उसको याद कर रहा है, क्योंकि जो रास्ता अखिलेश यादव जी विकास का उत्तर प्रदेश को ले जाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उस रास्ते को रोकने का काम करा है तो योगी जी ने करना है। लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही है, आगरा जो इलाहाबाद कोर्ट है, उन्होंने भी आग्रह किया है कि चुनाव की जो रैली है वो आप ऑनलाइन कर लीजिए, इसको कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कर लीजिए, लेकिन जिस प्रकार देख रहे हैं भर के ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट का जो तीव्र मात्रा में कहीं ना कहीं पूरे देश में फैल रहा है, बंगाल चुनाव में देखा हम लोगों ने कि जिस तरह से रैलियाँ की गई, लेकिन जो प्रदेश की सरकार है, मौजूदा सरकार है, वो उस पर ध्यान नहीं देती। देखिए, आज लोगों में एक बात, जनसाधारण में एक बात बहुत फैल रही है, वो ये फैल रही है कि कोरोना रैलियों में नहीं आता क्या? आप देखिए, कोरोना का टाइमिंग भी के भी लोगों का प्रश्न उठ रहा है उत्तर प्रदेश में कि रात को ही इन्होंने जो पाबंदी लगाई है या बैन लगाया है वो रात को ही क्यों लगाया? क्या
दिन में कोरोना नहीं आता है क्या? तो बहुत सारे भीड़ तो उसी समय रहती है, उस सबसे ज्यादा भीड़ तो दिन में रहती है। तो ये इस तरह के जो प्रश्न है, इस तरह के जो इनकी सोची समझी रणनीति है, मैं ये कहूंगा, तो इस पे उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ध्यान लगाए हुए है। और उत्तर प्रदेश की जनता ने 2022 का जो ये चुनाव है अपने हाथों में ले लिया, क्योंकि पिछले 5 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर मोर्चे पे विफल हो चुकी है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।